हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक यूट्यूब वर्ल्ड। दोस्तों, मैं दीपक आपका दोस्त, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक ही एक्सेल फाइल में अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे लोग कैसे काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से ही काफी लोगों ने सवाल किया था, और आज इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में सिखाऊंगा कि हमारी एक एक्सेल की फाइल है उसको हम बहुत सारे लोगों के साथ कैसे शेयर करें, ताकि एक ही एक्सेल की फाइल में कई लोग अलग अलग लोकेशन से काम कर पाए। ओके दोस्तों, ये बहुत आसान है, बस एक बार ये आप वीडियो देखिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक एमएस एक्सेल की फाइल है जिसका नेम है दीपक ईडी वर्ल्ड। ओके, अब मुझे इस फाइल को कई लोगों के साथ शेयर करना है। इसमें डाटा मैंने ज्यादा रखा नहीं है, थोड़ा सा ही डाटा है, डाटा कितना ही हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस काम को करने के लिए हमें आवश्यकता है इंटरनेट की। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको सीधा जाना है वेब ब्राउजर में और अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर लेनी है। ओके दोस्तों, उसके बाद आप जब इधर जाओगे टॉप राइट में, यहां पे एक गूगल एप्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहां से आपको सिलेक्ट करना है ड्राइव। ओके, मैंने ड्राइव पे क्लिक कर दिया है, तो ये गूगल ड्राइव जो है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को यहां पे अपलोड करेंगे और फिर उसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये जो है ड्राइव ओपन हो गया है, यहां पे कोई भी फाइल अभी तक अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी मैं यहां पे यूज करने वाला हूं वो बिल्कुल न्यू है, मैंने आज ही वो ईमेल आईडीज बनाई है। ओके, केवल आपको सिखाने के लिए। चलिए, तो यहां पे आपको एक बटन दिखाई देगा न्यू, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहां से आपको क्लिक करना है फाइल अपलोड पे, और उसके बाद ये एक विंडो आ जाएगी। तो आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी फाइल है कहां पे जो आपको अपलोड करनी है। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है और उसका नेम है दीपक ईडी वर्ल्ड। ओके, क्लिक कर दिया, ओपन कर दीजिए, तो ये फाइल आपकी यहां पे अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगी तो ये फाइल यहां पे आपको दिखाई दे जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये तो हो गया इतना काम कि हमने गूगल ड्राइव पे अपनी जो फाइल है उसको अपलोड कर दिया है। अब क्या करेंगे, तो आपको इस फाइल पे राइट क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शंस की लिस्ट मिलेगी, यहां से शेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। या तो आप यहां से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, या फिर जब आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हो फाइल पे क्लिक करके, तो यहां पे भी ये ऑप्शन आ जाता है, यहां पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहां पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आपके सामने आएगा शेयर विद अदर्स। यहां पे आपको उन सभी लोगों की ईमेल आईडी लिखनी होगी जिनके साथ आप इस फाइल को शेयर करना चाहते हो। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ आपको यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिन लोगों के साथ आप इस फाइल को शेयर करोगे वो आपकी फाइल के साथ क्या कर सकते हैं। ओके, कैन एडिट, कि वो आपकी फाइल में एडिट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल काम कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं। सेकंड है कैन कमेंट, केवल कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड है कैन व्यू, केवल वो आपकी फाइल को देख सकते हैं, अपनी फाइल में चेंज वो कर सकते हैं बट आपकी फाइल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके चलिए, तो मैंने फिलहाल यहां से क्या लिया, कैन व्यू मैंने यहां से ले लिया है, और यहां पे ईमेल आईडी मैं एंटर कर देता हूं। तो मैंने एक ईमेल आईडी यहां पे एंटर कर दी, ssnehra@gmail.com। ओके, ये एक दूसरी आईडी थी जो मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए बनाई थी। ओके दोस्तों, ये एक टेम्परेरी आईडी है, मैं पर्सनल आईडी इसमें यूज नहीं करूंगा। ओके, तो उसी तरह से बाकी ईमेल आईडी भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। लिखा हुआ आ रहा है एड मोर पीपल्स, 10, 20, 50, 100, 200, जितने भी लोगों के साथ आप फाइल शेयर करना चाहते हो उन सभी की आईडी आप यहां पे लिख दीजिए। साथ ही साथ यहां पे कोई नोट आप लिख दीजिए, ऑप्शनल है, ना लिखोगे तो चलेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लीज चेक आउट द फाइल। ओके, ये मैंने यहां पे लिख दिया।
क्योंकि दोस्तों होगा क्या, इस ईमेल आईडी पे ssnehra@gmail.com इस आईडी पे एक मेल जाएगा, उस मेल के अंदर आपकी फाइल का लिंक होगा और ये मैसेज लिखा होगा, और उस मेल के जरिए फिर ये बंदा आपकी फाइल तक पहुंच पाएगा। तो मैं सेंड कर देता हूं, सेंड पे क्लिक करते ही होगा क्या, देखिए यहां पे लिखा हुआ आ गया शेयर्ड विद वन पर्सन कि ये फाइल आपने एक पर्सन के साथ शेयर कर दी है। अब उस पर्सन के पास जिसकी आईडी मैंने लिखी थी ssnehra@gmail.com उसके पास मेल चली गई है। अब वो उस मेल को ओपन करके आपकी फाइल का डाटा देख सकता है। अब उसकी लोकेशन कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा वो सब कुछ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर के अंदर दोस्तों सेम टाइम पे हम एक ही ईमेल आईडी ओपन कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने दो अलग अलग ब्राउजर लिए हैं। ओके, दो अलग अलग ब्राउजर मैंने लिए हैं, ये एक फायरफॉक्स है जिसके अंदर करंटली मैंने वर्क किया है, और एक दूसरा है क्रोम जिसके अंदर मैंने उस आईडी को ओपन कर रखा है जिसके साथ मैंने फाइल को शेयर किया है। ओके, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे वो आईडी है ssnehra@gmail.com। ओके, यहां पे मेल ये आ गया है। अब एक काम करते हैं, इस मेल को ओपन करते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो आप देखिए यहां पे वो सब कुछ लिखा हुआ है कि मिस्टर दीपक नेहरा एट gmail.com has shared the following spreadsheet, फाइल का नेम और वो नोट लिखा हुआ जो आपने लिखा था, नीचे ओपन का बटन। तो अब यहां से ये बंदा ओपन पे जब क्लिक करेगा तो आपकी जो फाइल थी वो पूरी फाइल इसको दिखाई दे जाएगी। अभी ये ओपन होने दीजिए, फाइल लोड हो रही है। तो ये देखिए, ये जो फाइल है आपके सामने आ जाएगी। ओके, ये देखिए है ना। तो नीचे यहाँ पे सीट भी आपको दिखाई दे जाएंगी कि कौन सी सीट है, आप देख सकते हो जितनी भी सीट होंगी सारी यहाँ मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आपको ये पूरी फाइल देखनी है जैसे एक्सेल में दिखाई देती है, तो ऊपर आप जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और ओपन विद, यहाँ आप कर दीजिए गूगल सीट्स, क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है वो पूरी तरह से आपको दिखाई दे जाएगी जैसे एक्सेल में दिखाई देती है। अब इसको ओपन होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए लोडिंग, फिर ये आपको दिखाई देगी। ओके, तो ये प्रोसेस देखिए है ना दोस्तों, बिल्कुल ये फाइल आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे एक्सेल में होती है। अब हमने कैन व्यू करके इस बंदे के साथ इस फाइल को शेयर किया है, तो ये जो एडिट करेगा वो अपनी ही फाइल में एडिट कर सकता है। जो काम यहां से ये करेगा, इसमें एडिट करेगा, वो आपकी फाइल में नहीं जाने वाला। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे क्लिक करके कुछ टाइप कर दिया इस तरह से, अभी मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं, ये जो बंदा है ये यहां पे टाइप कर सकता है अपनी फाइल के अंदर। ओके, बट जो भी ये एंट्री यहां पे कर रहा है ना, ये आपकी जो फाइल है जेन्युइन फाइल है उसके अंदर ये एंट्री नहीं जाएंगी। ओके, वो देखते हैं वो कैसे देखेंगे। तो वापस हम चलते हैं अपनी वाली फाइल में, फायरफॉक्स वाले ब्राउजर में, और ये फाइल थी, इसको ओपन करते हैं। तो डबल क्लिक कर सकते हो आप इस पे, डबल क्लिक मैंने कर दिया है फाइल पे, तो ये फाइल ओपन हो गई है, और इसको ओपन होने दीजिए, इसको भी गूगल शीट से पूरी ओपन कर लेते हैं। यहां पे क्लिक करेंगे और गूगल शीट्स पे क्लिक कर दीजिए, ये फाइल भी पूरी ओपन हो जाएगी। ओपन होने दीजिए, इसको थोड़ा इंतजार करिए आप। ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई है। ओके, तो यहां पे कोई चेंज नहीं आया है, जो उस बंदे ने चेंज किया था, ऐड किया था, वो यहां पे नहीं आया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, तो देखिए इसने यहां चेंज किया था, तो वापस फायरफॉक्स में हम चलते हैं, तो यहां पे कोई चेंज नहीं आया है। ओके, हालांकि ये स्टिल लोडिंग है, कह रहा है कि अभी लोड हो रही है फाइल, बाकी यहां पे वो चेंज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि कैन व्यू करके हमने फाइल को शेयर किया था, वो केवल देख सकता है, जो भी चेंज करेगा अपनी ही फाइल में वो चेंज कर सकता है, वो आपकी फाइल में नहीं आएगा। अगर यही काम आपने किया होता कैन एडिट करके, तो जो भी बंदा, मतलब जिसके साथ आपने फाइल शेयर की है, वो जो भी एडिट करता तो वो साथ साथ आपकी फाइल में भी आता रहता, सबके पास वो चेंज जाता रहता। जितने भी लोगों से आपने, जितने भी लोगों के साथ आपने फाइल को शेयर किया ना, वो सभी की फाइल में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता। ओके, चलिए अब उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, तो इसको हम बंद कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ओके, इस बार जो मैं फाइल शेयर करूंगा वो मैं करूंगा एडिट के साथ, कि जिन लोगों के साथ हम फाइल शेयर करेंगे वो सभी एक साथ काम कर सकते हैं, और वो काम जो भी करेंगे वो सबके पास ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ओके,
चलिए एक बात और मैं बता दूं आपको, एक्सेल की फाइल आपने ड्राइव पे लोड की और आपने उस फाइल को गूगल शीट से ओपन किया तो एक अलग से उसका शॉर्टकट बन जाता है गूगल शीट का। ये फाइल है नॉर्मल, इसको ओपन करोगे पहले ये नॉर्मल ओपन होगी फिर गूगल शीट से आपको ओपन करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया है क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल पे मैंने आपको ये फाइल जो है वो बताई थी कि कैसे गूगल शीट से हम ओपन करते हैं, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया है। ओके, अब इस पर डबल क्लिक मैं करूं तो ये फाइल डायरेक्टली गूगल शीट में ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों गूगल शीट क्या है आपको पता होगा, ये गूगल की ऑनलाइन ऐप है जिसके जरिए हम अपनी एक्सेल की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सेल की तरह ही है बट ये ऑनलाइन वर्क करता है। ओके चलिए काम करते हैं, मैं इस गूगल शीट को ही डायरेक्टली जो है शेयर करूंगा। तो इस पर राइट क्लिक कर सकते हो और यहां पर क्लिक कर लो या यहां पर क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर, यहां पर आईडी लिखो आप, मैंने वही आईडी ले ली और आप बहुत सारी आईडी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। ओके मैसेज आपको जो टाइप करना है वो आप लिख दीजिए, मैंने यहां पे कुछ भी मैसेज नहीं लिखा, मैंने लिख दिया हेलो। ओके और यहां से आप सिलेक्ट करिए कि क्या ये बंदा कर सकता है, एसएस नेहरा जिससे आप ये फाइल शेयर कर रहे हो, तो मैंने यहां से ले लिया कैन एडिट कि ये बंदा एडिट कर सकता है, सेंड कर दिया। तो इसके पास फिर से एक मेल जाएगी और उस मेल में लिंक मिलेगा उसको और उस लिंक पे क्लिक करके वो बंदा आपकी फाइल में एडिट कर पाएगा। ओके अभी ये फाइल है इसको ओपन और कर लेते हैं, यही तो शेयर की हमने, डबल क्लिक कर दिया तो ये जो है गूगल सीट ओपन हो जाएगी और ये देखिए। ओके फिलहाल यहाँ पे ये डाटा है, अभी काम करते हैं उस बंदे की आईडी में जाते हैं जिससे हमने फाइल को शेयर किया है, ये है वो आईडी और मेल आया नहीं अभी यहाँ पे, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके देखिए मेल आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां देखिए यहां पे लिखा हुआ एडिट, मिस्टर दीपक नेहरा @gmail.com हैज इनवाइट यू टू एडिट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट, यहां पे एडिट लिखा हुआ आ रहा है कि ये एडिट भी कर सकता है। चलिए ओपन इन शीट्स, अभी देखो यहां पे मैंने डायरेक्ट गूगल शीट को ओपन किया फाइल को, तो यहां पे डायरेक्ट लिखा रहा है ओपन इन शीट्स, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये पूरी जो है गूगल शीट ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी आपकी और फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये जो है गूगल सीट ओपन हो गई है। ओके अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इनको ना ब्राउजर को छोटा कर लेता हूं, इस तरह से ये छोटा हो गया, दूसरा ब्राउजर ये रहा, इसको भी छोटा कर लेता हूं और इनको साइड बाय साइड रख लेता हूं। ओके तो ये हमारे वाला है जो हमने सेंड किया था और मैं इनको थोड़ा इधर कर लेता हूं इस तरह से। ओके ये तो हमारी ओरिजिनल फाइल है जिसको हमने शेयर किया था, ये वो बंदा है जिसको हमने शेयर किया था, जिसके साथ फाइल को शेयर किया है। तो दोनों ही आईडी मैंने इधर उधर ओपन कर लिए। अब देखिए ये हमारी जो है आईडी है, मतलब यहां पे जो ये फाइल ओपन है ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। अब यहां देखिए आप, ये फाइल है ना आपका सिलेक्शन ये है इस फाइल के अंदर, इस शीट के अंदर आपका सिलेक्शन ये है और जिस बंदे के साथ आपने फाइल को शेयर किया है उसका सिलेक्शन कहां है, उसका सिलेक्शन यहां है। ये देखिए लिखा भी आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए यहां पे लिखा रहा है एसएस नेहरा कि एसएस नेहरा का जो सिलेक्शन है फाइल के अंदर वो यहां पे है। ओके उसी तरह से आप देखोगे यहां पे आपका है, यहां पे उसका है जिससे आपने फाइल को शेयर किया है। अब आप यहां देखिए इसमें, यहां पे आप देखोगे अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें यह बंदा क्लिक कर रहा है जिससे मैंने फाइल को शेयर किया एसएस नेहरा, तो इसमें इस बंदे का खुद का सिलेक्शन यहां पे है, ये रहा है ना, और जिसने फाइल शेयर की उसका कहां पे है, ये रहा जिसने फाइल शेयर की है। तो मतलब दोनों को पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब किसका सिलेक्शन कहां पे रखा हुआ है, सेल्फ सिलेक्शन जो भी है। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए इस बंदे ने इसमें एडिट कर दिया, यहां पे कुछ लिख दिया ऐसे ही, तो इसने यहां पे लिख दिया है, अब देखिए इस फाइल के अंदर वो देखो आ गया ना ऑटोमेटिक यहां पे आ गया है और उसका सिलेक्शन कहां पे, यहां पे है, तो देखिए सिलेक्शन यहां पे है। तो ये जो है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, आप यहां पे आप कुछ लिखिए, मैं अपनी फाइल के अंदर आया और यहां पे मैंने कुछ लिखा इस तरह से। ओके तो आप देखोगे, देखिए यहां पहुंच गया है ना, तो ये है दोस्तों काम। तो दोस्तों इस तरह से हम एक्सेल की फाइल को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब शेयरिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों को केवल इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो या आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हो कि आप आइए और इस फाइल में काम करिए। ओके दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आप कई सारे यूजर अलग अलग काम करेंगे, तो
तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सीट वन पे एक बंदा काम करे, दूसरे से बोलो कि आप सीट टू पे काम करो, तीसरे से बोलो आप सीट थ्री पे काम करो। ओके, तो जैसा आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। ओके, बाकी शेयरिंग हम ऐसे ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी यूजफुल वीडियो है और काफी लोगों ने पूछा था। दोस्तों एक बार आप ट्राई कीजिए और बेटर होगा कि आप अलग अलग पीसी ले लीजिए और फिर ट्राई कीजिए। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।